हेलो एवरी वन वेलकम टू आई एफ एस तो आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड्स के बारे में तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज जिसमें हम लोग फिफ्टी पॉइंट्स के अंदर एक कम्प्लीट टॉपिक को कवर करेंगे इस टॉपिक के बाहर से आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर हम बात करते हैं मोनोसेकराइड्स की तो मोनोसेकराइड क्या है बच्चों ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इनके स्ट्रक्चर में हमको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं मोनोसेक्रेट्स को हम बोलते हैं सिंपल शुगर्स क्योंकि इनको आप और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते ठीक है जो मोनोसेक्रेट्स रहते हैं इनको हम लोग और सिंपल फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिलता है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और जिनका प्रपोर्शन होता है दैट इज सी एन एच टू एन एंड ओ एन मतलब कि वन इज़ टू टू इज टू वन ये प्रपोर्शन होता है कार्बन का हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन आइटम्स कि भाई इनमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स तो उसके बेसिस पे अगर थ्री कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है तो ट्रायोज फोर कार्बन का जो टेट्रोज फाइव कार्बन पेंटोज सिक्स कार्बन का हेक्सोज सेवन कार्बन का हेप्टोज तो इस तरीके से बच्चों डिपेंड करता है क्या कार्बन नंबर है उसके हिसाब से इनका नोमेचर किया जाता है अगर हम बात करते हैं सिंपल हेक्सोजेस की तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज आर दी हेग्जोज राइबोज जाइलोज डिज आर दी पेंटोजेस अब आपको लोगों को यहाँ से क्या याद रखना है तो बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अग्जोज शुगर और अ पेंटोज शुगर तो आपको ये चीज़ें बतानी आनी चाहिए अब ये जो भी हमारे शुगर्स होते हैं ये जो हमारे मोनोसेक्राइट्स होते हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं एज एन एल्डोज और एन कीटोस बेस्ड ऑन देयर फंक्शन टू तो उनके पास कौन सा ग्रुप है अगर सी एच ओ है सो दैट रिप्रेजेंट एन अल्डीहाइट ग्रुप तो उनको हम लोग अल्डोजस बोलेंगे बट अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो फिर वो रिप्रेजेंट करता है कीटोन ग्रुप तो उनको हम लोग कीटोजेस बोलते हैं तो दीज ग्रुप्स दे कैन बी कॉल्ड अल्डोजस और कीटोजेस डिपेंड करता है कि भाई उनमें कौन सा एग्जैक्टली ग्रुप प्रेजेंट है अल्डीहाइट ग्रुप प्रेजेंट है या वहाँ पे कीटोन की ग्रुप प्रेजेंट है अल्डोज में आता है हमारा फ्रुक्टोज क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर में हमको सी एच ओ देखने मिलेगा फ्रुक्टोज जो है एक तरीके का कीटोन है जहाँ पे हमको सी डबल बॉन्ड वो देखने को मिलेगा जो हमारे मोनोसेकेराइड होते हैं बच्चों ये ओपन चेन फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं जैसे आप लोग अगर ग्लूकोज को लिखते हो तो इस तरीके से हमें सिंगल आप मतलब ये कार्बन की एक चेन फिर इसमें हमने सी एच टू ओ एच लगा दिया फिर हमने यहाँ पे एच लिख दिया ओ OH एच लिख दिया तो इस तरीके से लीनियर चेन भी होता है उसके अलावा आप सबने साइक्लिक फॉर्म भी देखा होगा जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की तो स्ट्रक्चर्स में हम यूजुअली देखते हैं कि जो हमारे ये शुगर्स होते हैं वो एक साइक्लिक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं तो ये साइक्लिक रिंग फॉर्म रहता है ये हमारा काफ़ी ज्यादा स्टेबल फॉर्म है दिस साइक्लिक फॉर्म इज क्वाइट स्टेबल और जो हमारा ये ओपन चेन स्ट्रक्चर रहता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है एक्वे सोल्यूशन में देखा जाता है कि मोनोसेकेराइट जो रहते हैं ये मेनली साइक्लिक फॉर्म्स में प्रेजेंट रहते हैं इन एक्वे सोल्यूशन अगर हम मोनोसेक्राइट्स को ऐड करते हैं तो यूजुअली ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं ग्लूकोज अगर सिक्स मेंबर रिंग बनाता है तो उसको हम बोलते हैं पायरनोज ठीक है और वहीं अगर फाइव मेंबर की कोई रिंग रहती है तो उसको बोला जाता है फ्यूरनोज तो बात को याद रखना है फाइव मेंबर रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरनोज फाइव एफ और अगर सिक्स मेंबर रिंग है तो देन इट्स कॉल्ड अ पायरनोज रिंग आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है आइसोमराइजेशन या आइसोमरिज्म बेसिकली क्या होता है तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उनमें हमको सेम फॉर्मूला देखने को मिलता है बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट ओके दीज मॉलिक्यूल्स दे हैव एन कायरल कार्बन कारल कार्बन का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप्स अलग रहते हैं तो एक ऐसा कार्बन जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप्स अलग रहते हैं वो कार्बन को हम बोलते हैं पहले तो कायरल कार्बन अब डिपेंड करता है कि वो जो हमारा कायरल कार्बन है उसमें ओ OH एच की पोजिशन क्या है लेफ्ट साइड में है या राइट right साइड में है ऑन दैट बेसिस हम अगेन इनको लिखते हैं डी फॉर्म एंड एल फॉर्म ठीक है तो ये जो हमारा आइसोमरिज्म है जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे आर दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर स्टीरियो आइसोमरिज्म जो मैंने आपको बताया है अभी ये किस वजह से होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन ये जो भी हमारा कायर कार्बन रहेगा बच्चों ये इसके पास में ओ की पोजिशन क्या है अगर इस कार्बन में ओ की पोजिशन राइट साइड में है तो ये कहलाएगा फिर डी फॉर्म वहीं अगर ओ की पोजिशन लेफ्ट साइड में है तो ये कहलाएगा फिर एल फॉर्म ओके अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज दी एपीमर्स एपीमर्स का मतलब होता है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो दिखने में बिल्कुल सेम हो बस एक कार्बन में वेरिएशन होता है इनमें क्या देखा जाता है तो बस एक कार्बन में वेरिएशन रहता है बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इनका हमको सेम नजर आता है देन देर आर समथिंग कॉल्ड एज दी एनोमर्स अब एनोमर्स क्या होते हैं तो ये होते हैं साइक्लिक आइसोमर्स ये सिर्फ एनोमरी कार्बन पर डिपेंड करते हैं इनका जो ओ है वो नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है इनमें जो भी ये हमारा एनोमरी कार्बन देखने को मिलेगा उनमें जो भी हमको ये एनोमरी कार्बन देखने को मिलता है यहाँ पे ओ की पोजिशन अपवर्ड्स है या ओ की पोजिशन डाउनवर्ड्स है इसके बेसिस पे भी हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं दे आर कॉल्ड दी अल्फा एनोमर्स एंड द बीटा एनोमर्स तो जो अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर है यह किस बेसिस पे होता है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स पोजिशन मोनोसेकराइड्स बच्चों ये एनर्जी सोर्स का भी काम करते हैं आप सभी ने सुना होगा ग्लूकोज का नाम भाई ग्लूकोज का जब हम करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक कंडीशन में तो हम थर्टी टू एटीपी तक जनरेट कर सकते हैं करेक्ट तो मोनोसेकराइड्स डेफिनेटली काम करते हैं एज दी एनर्जी सोर्सेज यहाँ से हमको अलग अलग फॉर्म में एनर्जी मिल सकती है ग्लूकोज एज आई हैव टोल्ड यू इट इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग मोनोसेकोराइड्स मोनोसेकोराइड्स जो है ये आपके दे आर बेसिकली दी कॉम्पोनेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में होता है ना राइबोस शुगर डी ऑक्सीराइबोस शुगर ऑक्सीराइबोस शुगर डाईडी ऑक्सीराइबोस शुगर तो जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं हर न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर से फॉस्फेट से और नाइट्रोजनस बेस से तो जो भी ये शुगर है बच्चों ये शुगर दरअसल एक मोनोसेकर रहता है अगर ये आपका जो न्यूक्लियोटाइड है अगर एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है शुगर इज राइबो शुगर बट इफ इट्स अ डिऑक्सीबो न्यूक्लिक्स इन दैट केस द शुगर इज एक्चुअली डी ऑक्सीराइबो शुगर अपार्ट फ्राम दैट मोनोसेकराइड जो रहते हैं बच्चों ये इन्वॉल्व होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन तो जहाँ जहाँ पे हमको शुगर्स को ऐड करना पड़ता है प्रोटीन हो गया या किसी भी अलग चीज़ में हम वहाँ पे मोनोसेकेराइड्स को ऐड करते हैं इवन लिपिड्स में भी हमारे मोनोसेकेराइड प्रेजेंट रहते हैं ये फॉर्म करते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अब अगर एक मोनोसेकराइड है इस पर एक और ऐड हो गया तो बन जाएगा डाइसेकराइड एक और ऐड हो गया बन जाएगा ट्राई तो इस तरीके से अगर मोर देन ट्वेंटी तक चला जाएगा लेस देन ट्वेंटी है तो ओलिकोसेकराइड उससे ज़्यादा है तो फिर पॉलीसेकोराइड्स भी कहला सकते हैं सुक्रोज किससे बनता है तो सुक्रोज बनता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से लैक्टोज भी एक है है बनता है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन में जैसे कि मैंने बताया है ग्लाइकोलिस को ब्रेक किया जाता है है ना ग्लाइकोलिसिस को नहीं ब्रेक किया जाएगा ग्लाइकोलिस ब्रेक करता है एक पाथवे है जो ग्लूकोज को ब्रेक करता है कन्वर्ट करता है इन टू पायरोविक एसिड फर्दर दे आर कन्वर्टेड टू एसिटाइल आई में

डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज को मॉक्सराइज करते हैं एंड इट कैन बेसिकली फॉर्म दिस ग्लूकोनिक एसिड प्रुक्टोज रहता है ये एक स्वीटेस्ट नेचुरली ऑकरिंग शुगर नेचुरली प्रेजेंट रहता है मोनोसेकर से मिलके बनते हैं हमारे पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि एक है सेलुलोज विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल टाइट विच इज फाउंड इन द फंगल सेल वॉल ये जो हमारे शुगर्स रहते हैं दे कैन बी असोसिएटेड विद्ड ग्लाइको प्रोटीन्स दे कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद लिपिड्स देन दे आर कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स लिपिडरिपिड्स को हम लोग ऑप्टेन करते हैं बाय हाइड्रोलाइजिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमने सेलुलोज को ब्रेक किया तो हमको वहां से बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं दे आर एसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शनिंग तो जैसे कि हमने ये जो बात की है शुगर्स की वगैरह बच्चों इन शुगर्स को और जब हम ब्रेक करते हैं तो इसमें से बहुत सारे हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोडक्शन इस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं बाय दीज मॉलिक्यूल्स तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अबाउट दी मोनोसेकराइड्स अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी डाई सेकेराइडस तो प्लीज टेल मी इफ यू वांट टू लर्न समथिंग मोर स्पेसिफिक इन दिस फिफ्टी पॉइंटर्स इस तरीके से हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें हर टॉपिक में आपको पचास पॉइंटर्स बताऊंगी एंड वी विल ट्राई टू कवर दम एज सुन एज पॉसिबल ठीक है हम ट्राई करेंगे कि हम लोग जल्दी से हर चीज़ को डिस्कस कर ले ताकि आप लोगों को बहुत टाइम ना लगे टॉपिक को रिवाइज करने की सो येस इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो विजिट देबसाइट आई एस ऑनलाइन डॉट कॉम और वेबसाइट में विजिट करके आप लोग इसके क्वेश्चन सोल्व करके जरूर देखिएगा बहुत सारी चीजें आपको और समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा कि क्या सच में आपको कॉन्सेप्ट कि नहीं तो जाइएगा इसके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए ओके सो लर्न विथ हस स्टडी विथ हस एंड गेट Your single digit rank with us. Have a great day, everyone, and a very happy learning to all.